नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे श्री कृष्ण के बहुत ही भव्य स्वरूप आपके आज दर्शन करेंगे। इतने सुंदर, इतने भव्य स्वरूप और श्रृंगार भी बहुत प्यारा सा किए करवाया है इस बार ठाकुर जी ने। ठाकुर जी अपने हिसाब से अपनी पसंद का श्रृंगार कराते हैं हर बार। तो आइए चलिए देखते हैं ठाकुर जी का इस बार का श्रृंगार कैसे हुए है। राधा रानी और ठाकुर जी के लिए पीला कलर का ड्रेस तैयार होके इस बार आई हुई है। और देखिए ड्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से नक्शा किया हुआ है, जरी का काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये धोती है ऊपर, और ऊपर जो है उनके कुर्ता पहन के रखे हैं। कमर में कमरबंद मैंने बांध दिया है और इस तरह से कान्हा जी को पहले मैंने थोड़ा सा तैयार कर ले दिया है। अब इनके चरणों में मैं पायल पहना देती हूँ। ये पायल जो है बंगाली घराना से मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे गहनों का डिटेल्स में मैंने वीडियो बना के रखा है, आप बंगाली घराना का ये वीडियो देख सकते हैं। ये माला जो चोकर हार, ये लॉन्ग हार है, ये कुंदन के बने हुए हैं और ये बरसाना से मैंने लिया था। बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। राधा रानी का श्रृंगार आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो राधा रानी का श्रृंगार भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनकी श्रृंगार भी बहुत प्यारा, बहुत ही क्यूट सा बना है। और ये मोती की कंगन है जो कि वृंदावन से आए हैं, और ये दोनों सेट में आए हैं, कोई राधा रानी के लिए और हमारे कान्हा जी के लिए जो भी आता है सेट पर ही मैंने लेती हूँ, दोनों का एक एक जोड़ी करके लेके आती हूँ। तो पहले एक बार मैंने सोचा था कि ऐसे पगड़ी बांध दूँ और डायरेक्ट, और इस बार जो है बिना बाल के ऐसे करके पगड़ी बांधेंगे, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है। फिर बाद में मैंने लगा कि नहीं, पहले मैं बाल लगा लेती हूँ और फिर पगड़ी बांधती हूँ। तो ये ऊन के बना हुआ चोटी है जिससे पगड़ी काफ़ी अच्छे से बन जाती है, और नीचे मुझे एक बढ़िया सा बेस मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने बांध दिया है पगड़ी नीचे से, और अभी इसके ऊपर से मैं पिंक कलर का जो कपड़ा है वो डालूंगी, क्योंकि राधा रानी के जो दुपट्टा है और ड्रेस में भी जो काम है उसमें भी देखिए थोड़ा थोड़ा पिंक कलर है, जो बॉर्डर है वो भी पिंक कलर है। तो कलर कम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए अभी इनको पिंक कलर का मैंने पगड़ी के ऊपर, जो ये पगड़ी को जो अच्छे से बांधना है और भी बांधना है तो वो मैं पिंक के बनाती हूँ। तो पिंक और येल्लो का जो कम्बिनेशन है वो इतनी बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर दिखता है। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और देखा जाए तो ईयर एंड होने वाली है, इतने कुछ एकादशी के दिन जो है ये श्रृंगार किया था हमने, लेकिन उस दिन आपसे शेयर नहीं हो पाई क्योंकि श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। तो धीरे धीरे हर एक श्रृंगार धीरे धीरे आती रहेगी, जो भी आपके साथ शेयर करने के लिए है सब कुछ शेयर मैं करूँगी आपके साथ। तो आप सभी लोग बस चैनल पर बने रहे, हमारे साथ देते रहे, और जब आप लोग साथ देते हैं, जब आप लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, जब आप लोग अच्छे अच्छे बातें लिखते हैं या हमें कोई गाइड कर देते हैं, कुछ चीज़ हमसे भी गलती हो जाती है तो इस तरह का जब गाइडेंस मिल जाती है ना तो सच माने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्रत विधि उपाय परिवार के ही सदस्य हैं सब लोग, और सभी लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो देखिए मोर पंख के बिना तो ठाकुर जी के श्रृंगार अधूरा रहता है, तो मोर पंख मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मोर पंख लगा दिया पगड़ी के ऊपर, ऐसे डिज़ाइनर एक जो चेन है वो मैंने लगा दिया, कुछ इस तरह का अलग अलग जो अलग अलग आते हैं ठाकुर जी का पगड़ी डिज़ाइन करने के लिए वो भी मैं धीरे धीरे इनकी पगड़ी में सजा दूंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये देखिए इस तरह से ठाकुर जी की लुक आया है। अंगूठी पहना देती हूँ मैं, इस तरह से मोर वाली अंगूठी है जो मुझे बहुत पसंद है, और इस तरह से इसीलिए लगभग हर बार मैं मोर वाले ये अंगूठी ठाकुर जी को पहनाती हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं ये लगाने की कोशिश करती हूँ, पर देखती हूँ कि मुझे ये शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूँगी और इसको कहीं और लगा देंगे। अब इनको बांसुरी थमा देते हैं। बांसुरी में देखिए राधे नाम लिखा है, बिना राधे नाम का तो कान्हा जी कहाँ रहते हैं। जहाँ राधा है वहीं कान्हा है, इसीलिए राधे नाम का होना तो ज़रूरी होता है। राधे राधे नाम तो उनकी होठों पे होते हैं, और मुस्कुराहट देखिए ठाकुर जी की, चेहरा देखिए इतनी भव्य, इतनी सुंदर है कि कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। आप लोग भी ज़रूर हमें बताएं कि ठाकुर जी की ये श्रृंगार आप सभी लोगों को कैसा लगा। मुझे इनकी श्रृंगार हमेशा बहुत ही प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
अब चलिए ठाकुर जी को पिंक कलर का पटका भी हम उड़ा देते हैं। ठाकुर जी को पटका उड़ाने के बाद काफ़ी सुंदर हो गया और इनकी जो श्रृंगार है वो भी पूर्ण हो जाते हैं। बांसुरी हाथ में हम फिर से थमा देंगे और इस तरह से ठाकुर जी की जो श्रृंगार है वो संपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना, कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने घर पे सभी लोगों के साथ शेयर करना ताकि सभी लोगों को ठाकुर जी के दर्शन हो पाए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना ताकि हमारे चैनल में जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक समय में पहुँच सके और आपको सभी वीडियो समय पर आप देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।